वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर क्वाइट टू असर्टन द बैंक बैलेंस एज वुड अपेयर इन द कैश बुक ऑफ रमेश एज ऑन 31st October 2018। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया, बैंक पासबुक शो एंड ओवरड्राफ्ट और पे 16,500 ऑन 31st October। तो आपको क्या पता चला कि हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, बैंक बैलेंस से। तो बैंक पासबुक शो एंड ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ये सबसे पहले माइनस में आ जाएगा। ओवरड्राफ्ट जो होता है वो कहाँ जाता है, माइनस में। नंबर टू, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,250 ऑन ओवरड्राफ्ट अप टू 31st October 2018, कहता है जो इंटरेस्ट था ओवरड्राफ्ट के ऊपर, हैज बीन डेबिट इन द बैंक पासबुक, कहता है बैंक की पासबुक में डेबिट कर लिया था, बट इट हैज नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं किया था। तो हमने क्या करना था, कैश बुक में हमने क्या करना था, माइनस। लेकिन ये कहां, कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हम, बैंक की पासबुक से शुरू किया, तो यहां पर क्या करेंगे हम एड, तो हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऐड करेंगे। बैंक चार्जेस डेबिट इन द बैंक पासबुक, कहता है जो बैंक चार्जेस थे वो बैंक पासबुक में डेबिट हो गए ₹35, लेकिन हमने कैशबुक में नहीं लिखे, तो हमने क्या करना था कैशबुक में माइनस, लेकिन हमने पासबुक में बता रहे, तो पासबुक में बैलेंस क्या करेंगे यहाँ पे ऐड इंक्रीज करेंगे। चेक इशूड प्रायर टू 31st October 2018, कहता है चेक इशू किया हमने कब, 31st October को, बट नॉट प्रेजेंट टिल दैट डे, कहता है अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो हमारे पास क्या होता था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, जब कैश बुक करते थे तो हम क्या करते थे ऐड, तो ये पासबुक है तो हम क्या करेंगे माइनस, पासबुक में क्या करेंगे इसको माइनस। चेक पेड इन टू बैंक बिफोर 31st October, कहता है चेक हमने बैंक में भेज दिए बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिट अप टू दैट डे वर रुपीज 2500, कि हमने चेक जमा करवाए लेकिन पास नहीं हुए, तो कैश बुक होती तो हम क्या करते माइनस, अब ये क्या है पासबुक, तो पासबुक में क्या करेंगे ऐड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर, कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैशबुक में क्या करते थे ऐड, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस। एंड क्रेडिट इन द बैंक पासबुक अमाउंट पे इज 1800, तो यहाँ पे क्या करना हमने इसको माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, BRS एज ऑन 31st October 2018, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, रुपीज़ का सिंबल और पीज का सिंबल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। जब ओवरड्राफ्ट दिया तो अमाउंट कहाँ पे आएगी माइनस में, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब ऐड वाली आइटम्स, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे लेस वाले आइटम्स। तो सबसे पहले क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो मैंने क्या सिखाया, जब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पासबुक में दिया होगा तो हमने क्या करना था यहाँ पे प्लस, क्योंकि कैश बुक में क्या करते थे माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 1,250। अब इसके बाद उसने बोला था बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कैश बुक में क्या करते थे माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐड, पासबुक में हमेशा ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया बैंक चार्जेस, अमाउंट कितना आ गया 35। बैंक चार्जेस के बाद आ गया चेक इशूड, जब चेक इशू कैश बुक में क्या करते थे ऐड, तो यहाँ पे क्या करेंगे लेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, और अमाउंट कितना आ गया चेक इशू वाला 11,500, ये भी अमाउंट आ गया। अब चेक पेड इन टू बैंक, जब चेक डिपॉजिट किए थे तो कैश बुक में हम क्या करते थे माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐड, चेक इशूड चेक डिपॉजिट्स बट नॉट जेट कलेक्टेड, ठीक है, और अमाउंट आ गया इसका 2500, यहाँ पे कलेक्टेड भी लिख सकते हम। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैश बुक ऐड करते थे, ये पासबुक है तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट कितना आ गया 1800। ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्या करना है, इनका अलग से टोटल करना है। तो सबसे पहले आ गया क्रेडिट का टोटल 16,500, 11,500, 27,28, 29,800, और डेबिट का टोटल आ गया 5, 8, 7 और 3। जब ये दोनों टोटल आ गया, डेबिट का टोटल अलग आ गया, क्रेडिट का अलग आ गया, अब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस निकाल देना है। टोटल कौन सा बड़ा है, क्रेडिट वाला, यहाँ पे लिखा 29,800 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यहाँ पे आ गया 15,062 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये था हमारा सबसे पहले क्वेश्चन, कौन सा, BRS एज ऑन 31st October 2018 ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रिपेयर बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 31st March 2019 व्हेन पासबुक शो ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹2500। यहाँ पे पासबुक क्या शो कर रही है, डेबिट बैलेंस ऑफ ₹2500, दैट मीन्स कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। चेक इशूड फॉर ₹5000 वट ऑफ ₹ ऑन 31st March 2019 ओनली 3000 कुड बी क्लियर। कहता है चेक हमने इशू किए थे 5000 के, लेकिन उसमें से क्लियर कितने के हुए, 3000 के, दैट मीन्स कि जो डिफरेंस आया कितना आया 2000 का। तो जब चेक इशू किए प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं हुए, दैट मीन्स कि क्लियर नहीं हुए, तो हमने क्या करते थे कैश बुक में ऐड, ये पासबुक से शुरू किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस। चेक डिपॉजिट ₹5500 वर चेक और ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 10th April। कहता है 5500 के हमने चेक कलेक्ट जमा करवाए, डिपॉजिट करवाए, लेकिन उसमें से 500 का जो चेक है वो 10th April को हुआ, तो हम डेट कब क्लोज कर रहे थे, 31st March को। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेक डिपॉजिट वट नॉट जेट कलेक्टेड, तो कैश बुक होती तो हम क्या करते माइनस। अब ये क्या है, पासबुक, तो हमने क्या करना है इसको ऐड। इट डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, कहता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया जो हमने डिस्काउंट करवाया था। कैश बुक होती तो हम क्या करते माइनस, लेकिन ये पासबुक है तो हम क्या करेंगे अब ऐड। चेक और ₹300 डेबिट इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, कहता है एक चेक था जो हमने कैश बुक में भेज दिया लेकिन बैंक में भेजना भूल गए, तो कैश बुक होती तो क्या करते माइनस, ये पासबुक है हमने क्या करना अब इसको ऐड। लास्ट वन, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक ₹400 बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक, कहता है इंटरेस्ट किसने अलाउ किया, बैंक ने, लेकिन हमने कोई एंट्री पास नहीं की, तो कैश बुक में हम ऐड करते लेकिन ये पासबुक है तो हमने यहाँ पे क्या करना है माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ये अमाउंट कितनी दी थी यहाँ पे 2500। तो सबसे पहले क्या बोला था उसने, चेक इशूड फॉर ₹5000 बट अप टू 31st March 2019 ओनली 3000 कुड बी क्लियर, तो यहाँ पे क्या करते, चेक इशूड वट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, तो हमने क्या करना यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक्स इशूड वट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक कितने के इशू किए थे हमने 5000, उसमें से कितने के चेक प्रेजेंट नहीं हुए 3000, तो माइनस करके कितना डिफरेंस रह गया यहाँ पे 2000, तो मींस 3000 के प्रेजेंट हो गए, वहाँ पे 3000 के प्रेजेंट हो गए, जो बाकी बचे वो कितने थे हमारे पास 2000। अब इसके बाद यहाँ पे बोला, चेक डिपॉजिट फॉर ₹5500 बट चेक ऑफ ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 10th April, मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि चेक जमा करवाए थे लेकिन कलेक्ट कब हुआ 10th April को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड वट नॉट जेट क्लियर, अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 500, ये आ गया सबसे पहले। अब इसके बाद डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाए तो हम क्या करते थे कैश बुक में माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, और अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 2000,
अब इसके बाद उसने बोला ए चेक और रुपीज 300 डेबिट इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। कहता है एक चेक था हमारे पास, हमने कैश बुक में रिटर्न कर लिया, हमने लिख दिया कि भाई हमारे पास चेक आया लेकिन बैंक में भेजना भूल गए, तो कैश बुक होती तो हमने क्या करना था माइनस, तो यहां पे क्या करेंगे ऐड, यहां पे क्या लिखेंगे चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, और अमाउंट कितना आ गया यहां पे 300। और इसके बाद लास्ट एंट्री इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक रुपीज 400 बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। कहता है बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो हमने क्या करना था कैश बुक में ऐड, अब यहां पे क्या करेंगे लेस इंटरेस्ट, अमाउंट कितना आ गया यहां पे 400। अब हमने क्या करना है यहां पे इसका टोटल कर लेना, 2500 2000 और 400 ये आ गया 4900, इसका टोटल किया तो हमारे पास आ गया 2800। क्रेडिट का टोटल बढ़ा है यहां पे आ गया 4900, तो यहां पे क्या लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और अमाउंट कितना आ गया यहां पे 2100। तो ये था सबसे पहले ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक।